सूरत कोर्ट द्वारा आज वर्ष 2020 ना 10 वर्षनी बाळकी साथे दुष्कर्म अने हत्याना गुनामां आरोपी ने फांसी नी सजा फटकारी छे। सूरत नी स्पेशल कोर्ट द्वारा आरोपी ने सजा फटकारवामां आवी छे। 7 डिसेम्बर ना रोज आरोपी दिनेश बाळकी ने वडापाव खावानी लालच आपीने अपहरण करीने लई गयो हतो। त्यारबाद माथा उपर ईंट मारीने बाळकीनुं मृत्यु निपजाव्युं हतुं। आ समग्र मामले सरकारी वकील द्वारा बाळकी साथे आचरवामां आवेली क्रूरतानो उल्लेख करीने आरोपी ने फांसी नी सजा आपवा माटे मांग करी हती अने कोर्टे आ मांग ने ग्राह्य राखी आरोपी ने फांसी नी सजा फटकारी छे। बनाव 7 डिसेम्बर महीना में बनेलो, गया डिसेम्बर में आ कामे जे भोग बननार बाळकी हती ए बाळकी ने आरोपी वड़ापाव खावानी लालच आपी अने घटना स्थले थी एनु अपहरण करी अने रिक्षा में एने लई गयेला अने लक्ष्मीनारायण इंडस्ट्रीयल पार्क छे त्यां लई अवावरा जग्या में लई गया अने त्यां एनी साथे रेप कर्यो अने रेप कर्या बाद एने माथा में ईंटो मारी अने एनु मर्डर कर्यो। बाळकीना शरीर उपर लगभग 48-49 जेटली इजाना निशानो हता। एटले आ केस पुरवार करवाने माटे पोस्टमोर्टम रिपोर्ट, गुनानी गंभीरता जे छे ते बतावा माटे पोस्टमोर्टम रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट, आरोपीनी चीज वस्तु, आरोपीनी कॉन्डक्ट, ए उपरांत सीसी कैमेराना फूटेज, लास्ट सीन टुगेधर एना पुरावा, आ बधा पुरावा खूब महत्वना पुरावा बन्या। सर, कैसे आज हम फांसी के आशय लेके आए थे और हमको न्याय भी मिला है और जज साहब ने फांसी दी है, हम संतुष्ट हैं और सबको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, ऐसे हरामखोर लोगों को तो जिंदा नहीं रहना देना चाहिए। ये जो विदेश था आपके पहचान में था तो वो पहचान का लाभ लेके ही बच्ची को ले गया था क्या? हाँ, ये पहचान का लाभ लेके ले गया था क्योंकि हमारे पड़ोस में रहता था, काफी साल से हमारे पड़ोस में रहता था तो वो लड़की भी उसको पहचानती थी, इसी के वजह से वो लाभ उठा के उसने फायदा उठाया है दूसरा भी।